सो आपको प्ले स्टोर ओपन करना है एंड देन बिटली ऐप इंस्टॉल कर लेना है सिंपली। सो ऐसा कुछ इंटरफेस है उसका, और आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर दिया था। सो आप ऐसा कुछ दिखेगा आपको, आप जस्ट इसको इंस्टॉल कर देना एंड देन आपको उस ऐप को ओपन कर लेना है। सो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा स्टार्टिंग में। सो आपको ना ऐसा कुछ आएगा। सो आपको ऊपर राइट कॉर्नर पे कट कर लेना है एंड देन ऐसा सिंस सेकेंड वीडियो हॉट वीडियो के सेकेंड वीडियो पे जाना है। वही है, वही वीडियो प्ले हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मेक वीडियो पे जाना है उसके, और देन आपको सिंपली 8 फोटो सिलेक्ट कर लेने हैं आपके कौन से भी। सो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ओके कर देना है। सो ऐसा कुछ दिखेगा एंड देन प्रोसेसिंग होएगा। मेरा हो गया है। सो ना फर्स्ट स्टार्टिंग में आपका ग्लिच होएगा ऐप, क्योंकि सबका ऐप ग्लिच होता है। उसके बाद फिर ऐसा कुछ आपको दिखेगा प्रॉपर वीडियो एंड देन डाउनलोड पे सिलेक्ट कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। देन प्रोसेसिंग होएगा, कुछ ऐसा प्रोसेसिंग होएगा। सो उसको होने देना है एंड देन काइन मास्टर में आने का है आपको, वाटर मार्क रिमूव करने के लिए बिटली का। सो आपको 9:16 पे क्लिक करना है एंड देन न्यू प्रोजेक्ट पे 9:16 क्लिक करके वो बीट का मीन्स फाइल को डाल लेना है, मीन्स आपने वीडियो बनाया था उसका। म्यूज़िक उसके अंदर ही रहेगा, बस आपको सब फोटोज़ एक सिलेक्ट कर लेना है एंड उसमें यूज़ कर लेना है वीडियो के लिए। एंड देन आपको नीचे एक वाटर मार्क दिखाई देगा। आपको जस्ट लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है एंड बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है। उसको फुल कर लेना है एंड देन आपको रोटेट करके उधर बीटली जहाँ पे दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको सिंपली लगा देना है। उससे वो वाटर मार्क हट जाएगा और किसको समझेगा नहीं कि कौन से ऐप से आपने ये किया है। ऐसा कुछ दिखेगा। वाटर मार्क मतलब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, उसके लिए हमें और एक सेटिंग करना पड़ेगा। ऐसा कुछ दिख रहा है, वीडियो बहुत अमेजिंग हो गया है। और उसके बाद उसके ऊपर जाके फिर एडजस्ट पे जाना है एंड जो कलर है मीन्स ब्लैक कलर उसको एडजस्ट कर लेना है आपके हिसाब से। वो बिटली का मीन्स वाटर मार्क चला जाएगा उससे एंड आपका वीडियो प्रॉपर दिखेगा। ऐसा कुछ आपको कर लेना है एंड देन ऐसा कुछ दिखेगा आपको वीडियो एंड देन सिंपली शेयर पे जाके आपको सेव कर लेना है वीडियो को। मैं अभी शेयर पे जा रहा हूँ एंड शेयर पे जाने के बाद 108 एंड 30 FPS पे शेयर कर देना है।